हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड कॉर्नर। वी आर रीडिंग फिफ्थ चैप्टर प्रिंसेस सितंबर फ्रॉम सप्लीमेंट्री बुक इट्स सो हैपन्ड। इन प्रीवियस सेशंस वी रेड इट्स फोर पार्ट्स, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। इन दैट सेशंस वी रेड द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियाम हैड 9 डॉटर्स। फॉर द क्वीन इट वॉज कन्फ्यूजिंग टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, so the king decided to call them by the names of the months. The youngest was named September. The king had a peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. Princess September like each one of her numerous sisters receives the gift of a parrot in a golden case on her father's birthday. The parrot dies and by chance a singing bird comes in its place. The princess shows off her pet to the sisters who advise her to put it in a case. Princess September loves the bird far too much to take chances and act upon her sister's advice. The bird cannot overcome the loss of freedom. Now let us start its last part, part 5. And next day when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice. अगले दिन सुबह जब वह उठी तो उसने खुशी की आवाज़ में गुड मॉर्निंग कहा, सुबह का अभिवादन किया। She got no answer, उसे कोई उत्तर नहीं मिला। She jumped out of bed and ran to the cage, उसने अपने बिस्तर से छलांग मारी और पिंजरे के पास दौड़ कर गई। शी गेव अ स्टार्टेड क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले एट द बॉटम ऑन हिज साइड विद हिज आईज क्लोज्ड एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड। अब जब वो अपने बिस्तर से उठकर पिंजरे की तरफ जाती है तो देखती है, शी गेव अ स्टार्टेड क्राई, वो एकदम देख के एक चीख मार देती है। फॉर देयर द बर्ड ले एट द बॉटम ऑन हिज साइड विद हाई हिज आईज क्लोज्ड। वो क्या देखती है, क्यों मारती है चीख, कि जो छोटा सा पक्षी था वो पिंजरे में बॉटम मतलब उसके फर्श पर एक साइड में आंखें बंद किए हुए लेटा था। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और वो ऐसा दिख रहा था कि जैसे वो मर गया हो। वो मतलब उसे ऐसा दिखाई दिया कि कोने में पड़ा हुआ आंखें बंद किए हुए कि जैसे कि वो मर गया था। शी ओपन्ड द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट। अब वो उस पिंजरे का उसने दरवाज़ा खोला और अपना हाथ उसे बाहर निकालने के लिए अंदर डाला। शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल। शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ फॉर शी फेल्ट, मतलब उसने जब अपना हाथ अंदर डाला तो उसे एक आराम सा मतलब एक शांति सी मिली ये महसूस कर कि That his little heart was beating still, कि उस छोटे से पक्षी का दिल अभी भी चल रहा था, अभी भी बीट कर रहा था। wake up little bird, she said, उसने कहा उठो उठो छोटे पक्षी उठो। She began to cry and her tears fell on the little bird, वह चिल्लाने लगी रोने लगी और उसके आंसू छोटे से पक्षी के ऊपर गिरे। ही ओपन्ड हिज आईज एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज
वर नो लॉन्गर अराउंड हिम। अब उस छोटे से पक्षी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके चारों ओर पिंजरे की सलाखें नहीं थी। आई कैन नॉट सी अनलेस आई एम फ्री एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, ही सैड। उसने कहा आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, कि अगर मैं आज़ाद नहीं हुआ तो मैं गा नहीं सकता। एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, अगर मैं गा नहीं सकता था तो मैं मर जाऊँगा। मतलब वो क्या कहता है कि पिंजरे में रहने के कारण मैं गा नहीं पाऊंगा, और गा नहीं पाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सो। अब प्रिंसेस को, राजकुमारी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। देन टेक योर फ्रीडम शी सैड, उसने कहा तो अपनी स्वतंत्रता लो, अपनी आज़ादी लो। आई शट यू इन अ गोल्डन केस बिकॉज आई लव यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू टू माई सेल्फ। आई शट यू इन द गोल्डन केस, मैंने तुम्हें सुनहरे पिंजरे में बंद किया। बिकॉज आई लव यू, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती थी। एंड वॉन्टेड टू हैव यू टू माई सेल्फ, और तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मर जाओगे। आई लव यू एनफ टू लेट यू हैव यू बी हैप्पी इन योर ओन वे। आई लव यू एनफ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इतना है कि तुम जिस तरह से भी खुश रहना चाहते हो तुम वैसे रह सकते हो। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस्ड द लिटिल बर्ड ऑन द स्टिल। और वो क्या करती है, अपनी खिड़की को खोलती है और उस पर उस छोटे से पक्षी को रख देती है। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल, वो थोड़ा सा अपने आप को भी संभालता, नीचे झुकता है उस खिड़की पर। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड शी सैड, वो कहती आओ और जैसा तुम चाहते हो छोटे से पक्षी, और जाओ। मतलब जब तुम्हारा मन करता है आने का तुम आओ, जब तुम्हारा मन करता है जाने का तुम जाओ। आई विल नेवर पुट यू इन अ केस एनी मोर, मैं तुम्हें पिंजरे में अब ज़्यादा नहीं रखूँगी। मतलब मैं इससे ज़्यादा अब तुम्हें पिंजरे में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस सेड द बर्ड, पक्षी ने कहा छोटी सी राजकुमारी मैं आऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवेस्ट सॉन्ग्स आई नो, और मैं तुम्हारे लिए गाने गाऊँगा, प्यारे प्यारे गाने गाऊँगा क्यों मैं जानता हूँ। अब वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आऊँगा भी और तुम्हारे लिए मैं गाने भी गाऊँगा। आई शैल गो फार अवे बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं दूर जाऊंगा परंतु मैं वापस आऊंगा और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। यू गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, और वो उसने अपने आप को दोबारा से हिलाया। गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम ही एक्सक्लेम्ड। अब उसने क्या कहा, वो एक्सक्लेम मतलब उत्साहित होकर कहा, गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई हैव। अब उसने कहा कि मैं गुड ग्रेशियस मी, कि तुम कितने दयालु हो, और हाउ स्टिफ आई एम, और मैं कितना ज़्यादा तुमसे खुश हो कि तुमने मुझे कितनी दयालुता दिखाई और मुझे छोड़ दिया। देन ही ओपन्ड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू। अब उसने क्या किया, अपने पंखों को खोला, और ब्लू का मतलब है आसमान, और दूर आसमान में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस ब्रस्ट इनटू टीयर्स
for it is very difficult to put the happiness of someone you love before you own, and with he little bird far out of sight, she felt all of a sudden very lonely. अब क्या हुआ, बट द लिटल प्रिंसेस ब्रस्ट इन टू द टीयर्स. अब जो छोटी सी जो राजकुमारी थी उसकी आंखों में आंसू आ गए बहुत ज़्यादा. फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन. और आपके लिए मुश्किल होता है कि आप अपनी खुशी को छोड़कर किसी की, मतलब जिसे तुम प्यार करते हो उसके लिए, अपने आप को छोड़कर उसकी खुशी के लिए आप कार्य करते हो. एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट द साइट शी फेल्ट, और वो दूर तक उस छोटे से पक्षी को जहाँ तक उसको नज़र आ रहा था वो देखती रही. एंड ऑल ऑफ सडन वेरी लोनली, और जब वो उसे दिखना बंद हो गया तो उसे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस हुआ. वेन हर सिस्टर्स न्यू वट हैड हैपन्ड दे मॉक्ड her and said that the little bird would never return. जब उसकी बहनों ने सुना तो उन्होंने उसे बहुत कुछ बोला, डांटा. and said, और कहा कि वो छोटा सा पक्षी अब कभी वापस नहीं आएगा. but he did at last, परंतु वो छोटा सा पक्षी वापस आया. and he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. and he sat on the September's shoulders, वापिस आया और September के कंधे पर बैठा. and ate out of her hand, और उसके हाथ से उसने दाना खाया, खाना खाया. एंड सेंगर द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ही हैड लर्न वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप, और जब वो दूर गया था वहाँ से आकर उसने बहुत से गाने गाए जो उसने उड़ने पर दूर देशों में उसने सीखे थे. डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार के जहाँ जहाँ वो दूर प्रदेशों में गया, जगहों पर गया, वहाँ के जो उसने गाने सीखे थे वो सुंदर गाने आकर उसने प्रिंसेस सितंबर को सुनाए. सितंबर कैप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम व्हेनेवर ही फेल्ट इनक्लाइंड. एंड दिस वाज वेरी गुड फॉर हर, सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. सितंबर कैप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट. अब सितंबर थी वो अपनी उस खिड़की को दिन रात खुला रखती थी. सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम वेन एवर ही फेल्ट इनक्लाइंड, इनक्लाइंड इच्छुक, मतलब जब भी वो छोटा सा पक्षी उसके रूम में आने के लिए, उसके कमरे में आने का इच्छुक होता था वो उसके कमरे में आ जाता था, चाहे वो रात हो चाहे दिन. एंड दिस वाज वेरी गुड फॉर हर, और ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी. सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इससे वो राजकुमारी बहुत ही सुंदर हुई. जब वो बड़ी हुई तो वो बहुत ही सुंदर बनी. एंड व्हेन शी वाज ओल्ड एनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड. एंड वेन शी वॉज ओल्ड एनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, और जब वो बड़ी होगी शादी के लायक होगी तो उसका विवाह कंबोडिया के राजा के साथ हुआ. एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और वो सफ़ेद हाथी पर बैठकर उस जगह पर गई जहाँ पर राजा रहता था, मतलब शादी के बाद वो सफ़ेद हाथी पर बैठकर राजा के साथ उसके शहर को गई. बट हर सिस्टर्स
never slept with their windows opened. So they grew extremely ugly as well as disagreeable. And when the time came to marry them off, they were given away to the king's counselors with the pound of tea and a sesame cat. But the sisters never slept with their windows open. और जो सितंबर राजकुमार थी उसकी जो बहनें थी वो कभी भी अपनी खिड़की को खोलकर नहीं सोई. So they grew extremely ugly as well as disagreeable. और वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हुई और वो अप्रिय भी, डिसएग्रीएबल मतलब अप्रिय, उन्हें किसी ने भी पसंद नहीं किया. एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन देम गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स विद द पाउंड ऑफ टी एंड अ सिमेस्केट. अब जब वो विवाह योग्य हुई तो राजा के जो मंत्री थे उनके साथ उनके विवाह हुए और उन्हें एक पाउंड चाय पत्ती और सिस्मे कैट के साथ वो उनके घरों में गई. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी. थैंक यू वेरी मच.